उच्च गुणवत्ता एवं मिठास के लिए मशहूर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से सेब मंडियों में पहुंचना शुरू हो गया है। इस पर किन्नौर जिला से करीब 33 लाख पेटी सेब मंडी पहुंचने का अनुमान है। सेब को समय पर मंडी पहुंचाने के लिए करीब 8,200 ट्रकों की जरूरत पड़ेगी। कोरोना महामारी के कारण बागवानों को सबसे बड़ी समस्या सेब सीजन के लिए बाहरी राज्यों से मजदूरों को पहुंचाना चुनौती हो गया था। इससे बागवानों की चिंता बढ़ गई थी, लेकिन बाहर से सेब सीजन में मजदूरों को लाने में बागवानों को दिक्कतें ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। बागवानी विभाग के आंकड़ों के अनुसार जिले के 3 उपमंडलों में कल्पा उपमंडल में लगभग 14,35,800 बॉक्स सेब निकलने का अनुमान है और इनको मंडियों तक पहुंचाने के लिए 3,590 ट्रकों की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार निचार उपमंडल में 6,07,500 सेब बॉक्स निकलने का अनुमान है। इसकी ढुलाई के लिए 1,519 ट्रकों की आवश्यकता होगी। इसी तरह पू उपमंडल में 12,40,000 सेब बॉक्स की उम्मीद है, जिनकी ढुलाई के लिए 3,100 ट्रकों की आवश्यकता होगी। किन्नौर के निचले हिस्से में सेब सीजन आरंभ हो गया है। जिलाधीश किन्नौर गोपाल चंद ने बताया कि कोविड के कारण सेब कारोबार के लिए मजदूरों की कमी महसूस की जा रही थी, लेकिन अब ये समस्या दूर हो गई है। जहां बागवानों की ओर से मांग मजदूरों की आ रही है, उनकी सहायता की जा रही है। उन्होंने बताया कि जिले के निचले हिस्सों से सेब मंडियों में जाना शुरू हो गया है। बागवानों को किसी भी तरह की समस्या आने नहीं दी जाएगी। सेब ढुलाई में वाहनों की कमी भी नहीं आने दी जाएगी। इसमें जो क्योंकि कोविड-19 का दौर चला हुआ है, इसकी वजह से कुछ लेबर की कमी महसूस की जा रही थी, लेकिन अब वो भी समस्या उसका भी हल हो चुका है। लगातार यहाँ पर जितनी भी जहाँ से भी डिमांड आती है, उस मांग के अनुरूप जो है यहाँ पर जो है लेबर दूसरे राज्यों से भी पहुँच रही है और हिमाचल के अंदर से भी आ रही है। तो अभी हमारे जो जिला के निचले क्षेत्र हैं वहाँ पर सेब का रिटर्न शुरू हो गया है और मार्केट में सेब जाना शुरू हो गया है, और जो उपले क्षेत्र है हमारे उनमें अब धीरे धीरे सेब का सीजन जोर पकड़ेगा और किसी भी तरह की बागवानों को यहाँ पर कोई समस्या नहीं आएगी। उनको मार्केट में प्राइस भी ठीक मिलेगा और उनका सेब भी जो है मार्केट में समय पर पहुँचेगा। ट्रांसपोर्टेशन की कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ियाँ जितनी भी मांग होगी उसके अनुसार जो उपलब्ध करवाई जाएगी। चौरा में जो मेजर हमारा जो मेन जो इशू होता है कंट्रोल रूम का, उस कंट्रोल रूम को हमने वहाँ पे स्थापित कर दिया है और हमारे पास अभी तक जो है किसी भी तरह की सेब उत्पादकों की ओर से कोई भी समस्या या कोई भी कठिनाई हमारे समक्ष नहीं आई।